गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चंस आंसर के बारे में। कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बटन इन माउस। देखिए क्या कह रहा है कि ये बताइए कि माउस में कितने टाइप के बटन होते हैं। ठीक है, माउस में कितने टाइप के बटन होते हैं? 2 टाइप के बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट की होती है, दूसरा स्क्रॉल की होती है। ठीक है, लेफ्ट की क्या करती है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यानी डबल क्लिक के लिए। राइट क्लिक किस लिए होती है राइट की, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक करने के लिए। स्क्रॉल की किस लिए यूज होती है माउस के अंदर, डॉक्यूमेंट के पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल की का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर टू टाइप बटन इन माउस, क्या होते हैं? 2 टाइप के बटन्स होते हैं माउस के अंदर। पहला देखिए कौन सा होता है, लेफ्ट एंड राइट की। ओके, दूसरा होता है हमारा स्क्रॉल की। अब इसके बारे में मैंने अभी बताया, लेफ्ट की किस लिए यूज होती है, हम जैसे ही लेफ्ट की से डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाता है। ओके, राइट की से हम उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक करते हैं। स्क्रॉल की क्या होती है, जैसे ही हम स्क्रॉल की का यूज करते हैं हमारा पेज अप डाउन होने लगता है। ओके, तो नोट कीजिए आप इसको। हो गया सभी का? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज ए कंप्यूटर मॉनिटर। देखिए क्या कह रहा है ये, कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर क्या होता है, यानी मॉनिटर क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया मॉनिटर क्या होता है, कोई भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको शो करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर उसको शो करता है
उसे हम कहते हैं मॉनिटर। ओके, यानी कि हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं, इनपुट का मतलब कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे हमें बाहर दिखाता है क्या? मॉनिटर। तो देखिए, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस भी है, विच इज यूज टू डिस्प्ले द वर्क ऑन स्क्रीन डन बाय कंप्यूटर। देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है वो देखिए आप। पहले मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का और इनपुट डिवाइस का मैंने बताया। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो हमें रिजल्ट शो करते हैं, यानी कि हमने क्या क्या काम किया है उसको दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू डिस्प्ले द वर्क। यानी कि इसलिए काम आता है ये कि हमने कंप्यूटर के अंदर जो भी काम किया है वो हमें स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, तो ये काम होता है मॉनिटर का। नोट कीजिए इसको। हो गया सभी का? अब देखिए, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर? यह पूछ रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर। यहां पर जो प्रिंटर है कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं। ओके, मैंने आपको बताया था प्रिंटर दो ही टाइप के होते हैं। नंबर वन इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो सिर्फ लिखने के काम आते हैं। ओके, जो सिर्फ लिखने के काम आते हैं, जैसे आपका टाइपराइटर है। आपने तहसील वगैरह में कभी जाके देखा होगा, घर वालों के साथ कभी गए हो तो उनके पास में एक छोटी सी मशीन होती है जिसके ऊपर वो टाइप करते रहते हैं। वो क्या है? हमारा टाइपराइटर। वो है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यानी डॉट प्रिंटर भी बोलते हैं हम उसको। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या आता है? हमारे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कौन से हैं? कि जिनके द्वारा हम फोटोकॉपी वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो है हमारे लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर
नंबर वन इज इंपैक्टेड, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया टाइपराइटर, जो सिर्फ लिखने के काम आते हैं। ओके, नंबर टू इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर कौन से होते हैं देखिए लेजर प्रिंटर कौन से होते हैं, जिनके द्वारा हम जो फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं, प्रिंट वगैरह निकलवाते हैं, वो कौन से हैं, लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर थ्री के बारे में, आज हमारा चैप्टर थ्री कंप्लीट होता है। ओके, तो इनके क्वेश्चन आंसर भी आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसको नोट कीजिए।